Let's start. जी कल तक जो चीजें देखी थी उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? हम बेसिकली कल के दिन में तो सिंपल डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी डिस्कशन थी। और आज के दिन लेट्स स्टार्ट, और स्टार्ट हम पहले करेंगे केजी के हमारे एक तो पेपर के स्ट्रक्चर के बारे से कल डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि पेपर में हमारे टॉपिक ग्रिड को किस तरह से मार्क्स असाइन कर रहा है। फिर देखेंगे केजी के हमें कौन सी बुक्स हम देखेंगे उनके जरिए से हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना रूटीन के काम स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारा जो एग्जामिनर ने हमें ग्रिड दी है, मार्क्स ग्रिड दी हुई है, उसके मुताबिक उसने ये कहा है कि जनाब आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये देखें। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसने कहा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स 5 to 10 मार्क्स इसके होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 25 to 35 मार्क्स होंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 25 to 35 मार्क्स, और इंट्रोडक्शन जो फाइनेंस के हवाले से डिस्कशन थी हमारी उसके 25 to 35 मार्क्स होंगे। तो टोटल हमारा 100 जो परसेंटेज है, 100 मार्क्स का पेपर अराउंड इस तरीके के साथ डिफरेंट ग्रिड्स में उसने तकसीम किया। और जो हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक इकोनॉमिक, उसकी डिस्कशन में हमें उसने कहा जी के 5 से 10% हम आपको इसमें से क्वेश्चन करेंगे। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और इस तरह की चीजें हैं, और ये हमारा उसने कहा है कि जी के आज से 5 से 10% इसकी वेटेज एक्सपेक्ट करें। बुक्स कौन सी जनाब? बुक्स कौन सी से हम स्टडी करेंगे जनाब? आईकैप की स्टडी टेक्स्ट, आईकैप स्टडी टेक्स्ट ये हमारा प्राइमरी सोर्स, ऑफ आवर स्टडी विल बी दिस आईकैप का स्टडी टेक्स्ट। हमारा क्लास में आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि एक एक वर्डिंग, एक एक पैराग्राफ, सारा कुछ जो हम किताब में लिखा हुआ है उसको हम डिस्कस करें साथ में। आपको कंफर्टेबल करें बुक के साथ, यू नीड टू बी कंफर्टेबल। जब आप बुक के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो CF2 का पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा कुछ हमारे नोट्स होते हैं उनको शेयर कर लेंगे, सर्टन जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई जगहों पे हमें एक्स्ट्रा कुछ अगर काम करना होता है तो फिर हम उस पर, और हेल्पिंग आपके पास अवेलेबल है पैक की बुक, पैक की इकोनॉमिक्स की बुक है ये आपके लिए, दैट विल बी योर हेल्पिंग मटेरियल इफ यू वांट टू गो फॉर एनी एक्स्ट्रा माइल्स। आपको पैक की अगर मटेरियल बुक अवेलेबल है इजीली, इफ यू कैन परचेज इट आप उसको ले लें, दैट विल बी ओनली वर्क एज एन हेल्पिंग बुक। आवर बेसिक बुक विल बी दिस। हमारा फोकस क्लास के अंदर भी, बाकी भी आपका भी फोकस शुड बी ऑन दिस बुक आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, और उसके अलावा आपको ये दो तीन जगहों से सोर्सेज से हम चीजें चला देंगे। सेकेंड चीज
जो टेस्ट हैं, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप पढ़ते रहें, पढ़ के अपने आप को टेस्ट ना करें कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या एग्जामिनेशन के लिए रेडी है या नहीं. एग्जामिनेशन लेवल का आपका प्रिपरेशन हो चुकी है टॉपिक की कि नहीं. तो अगर आपने ये अंडरस्टैंडिंग अपनी अपने आपको कॉन्फिडेंस ना दिलाया, टेस्ट में आप अपीयर ना हुए, अपने आप को चेक ना किया, अपने आप को एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रिपेयर करने का तैयारी ना की, तो आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड परफॉर्म नहीं करेंगे. हिस्ट्री हमने देखी है, पैक का एक डिफरेंट रूटीन ये रही हुई है कि एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम डेवलप करते हैं पैक में कि जनाब हम टेस्ट लेंगे और स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे. फैकल्टी प्रोवाइड करने का, आप क्लास में आ गए, आपने क्लास अटेंड की, उसमें आपने जो अवेलेबल टीचर हैं उनसे आपने देखा पढ़ा और उससे आपको कुछ आइडिया हो गया, आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया. बट वो कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होते, तब तक तैयार नहीं होते जब तक कि आप उनको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन वाले एलिमेंट के साथ नहीं देखते. उसके लिए पैक ने टेस्ट का सिस्टम रखा होता है. ये टेस्ट होते हैं और ऑनलाइन प्रॉब्लम में हमें ये इश्यू आता है कि ये फिजिकल आप यहाँ पे टेस्ट देने के लिए अपीयर नहीं हो सकते. तो फिर हम क्या तरीका करते हैं कि हम आपको LMS के ऊपर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के ऊपर टेस्ट अवेलेबल करते हैं. टेस्ट की ऑनलाइन फाइल अवेलेबल करते हैं और उस ऑनलाइन फाइल को आप अपने पास डाउनलोड करते हैं. उसमें क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाता है, आप उसको फिजिकल पेपर के ऊपर हल करें अपने हैंडराइटिंग में ताकि आपकी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के माहौल के मुताबिक हो. उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके फिर आप उसको स्कैन करके आप अटैच करेंगे अपने LMS में और उसको ग्रेडिंग की जाएगी, उसकी मार्किंग की जाएगी ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ. एक चीज़ तो LMS के ऊपर हमारे पास ये है, टेस्ट हम इस तरीके के साथ करते हैं. दूसरा, LMS के ऊपर हमारे पास MCQs हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के MCQs अवेलेबल हैं LMS के ऊपर. वो जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वो आपको अवेलेबल होते जाएंगे. वो MCQs आप ऑनलाइन उसी वक्त ही उन MCQs को आप अटेम्प्ट करेंगे और वो आपका रिजल्ट उसी वक्त ही अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन ही होगा. इसमें कोई आप तगोदो करने की जरूरत नहीं है. बट दिस फैसिलिटी इज स्पेसिफिकली अवेलेबल फॉर आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स और वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ज़रूर फ़ायदा उठाएं. अपने आप को टेस्ट ज़रूर करें कि जनाब हमने जो अब स्टडीज की हैं क्लास में, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो क्या हम उसके साथ कंफर्टेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो ये दो तरीके हैं LMS के ऊपर. एक तो ऑनलाइन का जो टेस्ट है दैट इज डाउनलोडेबल, ये फाइल्स आपको मिल जाती हैं, आप डाउनलोड करते हैं और उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाता है. दूसरा MCQs है. तो टेस्ट का रूटीन हमारी होगी वीक में एक टेस्ट कम अज कम, वो होगा. और वीकली टेस्ट होगा एंड दिस विल बी डन ऑन मंडे. एवरी मंडे यू विल बी गिवन द टेस्ट फॉर योर प्रीवियस वीक. पिछली वीक में आपने जो स्टडी किया होगा सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे जो आप स्टडी करेंगे उसका टेस्ट विल बी टेकन ऑन नेक्स्ट वीक मंडे. वो नेक्स्ट वीक के मंडे के ऊपर उसका टेस्ट हो जाएगा. क्लियर है जी? इसमें आपको ये ना कि सर मुझे पता नहीं था, मैं देखा नहीं था, मुझे बताया नहीं था,
वो आपको मंडे को टेस्ट एलएमएस पे अवेलेबल हो जाएगा. आपको पिछली वीक का हर वीक का टेस्ट यू विल बी अवेलेबल. और ये तो वीकली टेस्ट हो जाएंगे. इसके अलावा जब हम फॉर एग्जांपल माइक्रो कंप्लीट करते हैं तो माइक्रो का एक ग्रैंड टेस्ट करेंगे, फिर मैक्रो कंप्लीट करते हैं मैक्रो का एक ग्रैंड टेस्ट करेंगे, और फिर एक आपका एंड पे पैक की तरफ से मॉक एग्जाम होता है जिसको आप अटेम्प्ट करते हैं और अपनी आप तैयारी करते हैं. सो दिस इज द होल सिस्टम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इस सिस्टम के तहत गुजर के अपने आप को तैयार करना है. क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है. क्लासेस के अंदर गुंजाइश नहीं है. आप ये नहीं कर सकते कि मैं क्लास आज अटेंड ना करूं. आपने क्लासेस रेगुलरली विदाउट एक्सेप्शन एब्सेंटीज के बगैर अटेंड करनी है 9 to 10 डेली. और दूसरी जानिब आपके टेस्ट हैं वीकली टेस्ट, ऑल वीकली टेस्ट ऑन मंडे, एंड ग्रैंड टेस्ट विल बी ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइक्रो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैक्रो देयर विल बी ग्रैंड टेस्ट, एंड देन वी विल हैव सम मॉक एग्जाम एट द एंड ऑफ आवर टर्म. क्लियर है जी? ये हमारा सिस्टम होगा, इसके तहत हमें चलना है. बुक्स आपको क्लियर हो गई, हमें कॉन्सेप्ट का भी क्लियर हो गया, पता चल गया कि जी ग्रेडिंग किस तरह से है, वेटेज हमें किस तरह से अवेलेबल है, वो भी हमें समझ आ गई. लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. कोई इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई ना कहानी, कोई ना स्टोरी, पसंदीदगी ना पसंदीदगी, अच्छी बात बुरी बात, ऑल ओके, वेरी गुड. ये हमें जो है ना वो मैसेजिंग करने में आसानी हो गई है. हम जो है ना वो छोटा छोटा मैसेज लिख के ना आसान हो गया, नहीं तो पहले खत लिखने पड़ते थे लंबे लंबे, तो वो फिर चीज़ें होती थी. अच्छा जी, अच्छा किया फिजा ने पूछ लिया. सर पेपर में एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे? वो भाई एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे मतलब कौन से? फिजा आप किसकी बात कर रहे हैं? इनकी, इन एमसीक्यूज की बात कर रही हैं? पेपर में तो आपको एमसीक्यूज आईकैप के पेपर में, आईकैप के पेपर में आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है जनाब. क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें एमसीक्यू 1 लिखा होता है. उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं ए बी सी डी, और आपने बताना होता है कि क्वेश्चन नंबर 4-1 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो वो आपने एग्जामिनेशन में ये जवाब देना. क्या ख्याल है? इसी तरह से तो वो आपको पेपर में एग्जामिनेशन शीट के जो आंसर शीट है उसके अंदर आपने सिर्फ ये आंसर लिखना है. क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको दिस क्वेश्चन विल बी गिवन. अच्छा जी, कल तक जो हम देख रहे थे उसमें हमें ये समझ आई थी, कुछ रिवीजन करते हैं साथ फिर उसका आगे लिंक करते हैं चीजों को. कल तक देखा हमें पता चला कि हमारे पास कुछ मीन्स हैं और कुछ एंड्स हैं, और मीन्स और एंड्स के दरमियान में ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है. वी वॉन्ट टू मीट आवर एंड्स थ्रू आवर मीन्स. हम अपने एंड्स को अपने मीन्स के जरिए से मिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर से हमारे लिए मसाइल पता चले कि एंड्स आर अनलिमिटेड, जिसको हम वांट्स कह रहे हैं, नीड्स कह रहे हैं, हमारी उस वो वांट्स नीड्स ये अनलिमिटेड है, इनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है. और मीन्स का हमें पता चला कि ये स्केर्स हैं और ये रेडीली अवेलेबल नहीं होते, स्केर्स हैं, हर एक को मिलते हैं, हर जरूरत पूरी करने के लिए आपके पास अपनी सहूलियात नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं होती, मीन्स नहीं होते. तो फिर हमने कहा कि अच्छा फिर आप क्या करेंगे, और इनके दरमियान में हमें चॉइस का एक एलिमेंट हमें नजर आया. वी नीड टू मेक चॉइस के अगर फॉर एग्जांपल वी हैड 1 acre ऑफ लैंड, एक जमीन है, जमीन के ऊपर हमारे पास 1 acre जमीन है, उस जमीन के हम क्या क्या कर सकते हैं? इधर वी कैन कल्टीवेट व्हीट,
उसके ऊपर गंदम उगा लें, काटन उगा लें, उसको स्कूल बना लें, उसके ऊपर हम कुछ भी अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। उस जमीन को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कुछ जरूरत पूरी कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस मीन। इस जो हमारे पास रिसोर्स है, जो स्केर्स है, एक एकड़ है, वो 10 एकड़ नहीं हो सकते, एक एकड़ ही देगा, वो 1000 एकड़ नहीं हो सकते। हमें गंदम उगानी है, एक एकड़ से अगर 50 मन गंदम मिलती है तो वो 50 मन गंदम ही मिल सकेगी। हमें 100 मन गंदम चाहिए होगी तो हमें एक एकड़ से शायद वो नहीं मिल सकेगी। तो देर इज अ रिलेशनशिप, देर इज एन इश्यू ऑफ चॉइस। समझा रही? अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या जमीन को गंदम उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या जमीन को कॉटन उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या जमीन को स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? हाउ, किस तरह से ये चूज किया जा सकता है? तो उसमें फिर हमें पता चला कि ये जी इंडिविजुअल की चॉइस है, इंडिविजुअल को रैशनल बिहेवियर के तौर पे देखना है, वो कोई ना कोई रैशनल इसका डिसीजन देगा। और रैशनैलिटी का डिसीजन किस तरह से है कि वो जहां से उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है, जिस जगह पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है, वो वहां पे जमीन को इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही करते हैं ना, अगर आपके पास आपके पास कुछ टाइम है, फॉर एग्जाम्पल टाइम, मेरे पास, मैं कह रहा हूं यार आई हैव 1 आवर, मैं इसे 1 घंटे को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, मेरे पास ये टाइम भी एक, टाइम इज मनी जिस कहते हैं, टाइम भी एक रिसोर्स है, आई हैव 1 आवर। अब उस 1 घंटे को मैं सोने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कोई गेम्स, कोई एक्टिविटी उसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, एनीथिंग आई कैन यूज दैट 1 आवर। आज के दिन आप क्लास में आए, इस 1 घंटे को क्लास में गुजारने की बजाय आप सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप इस 1 घंटे में कोई और टॉपिक स्टडी कर सकते थे, इस 1 घंटे में आप कोई फिल्म देख सकते थे। तो आप उस टाइम को भी किसी और जगह पे स्पेंड कर सकते थे, आपके पास चॉइस है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यू हैव ₹1000, अब इस 1000 रुपए का आप कोई बुक खरीद सकते हैं, आप कोई फिल्म की टिकट खरीद सकते हैं, आप कोई बर्गर खरीद सकते हैं। दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। ऐसा ही है ना, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोई सा भी आप काम करें, चाहे आपके पास जमीन है आप उसके आप चॉइसेस हैं, इसी तरह से आपके पास टाइम है, चॉइसेस हैं, फिर मनी है, चॉइसेस हैं। एग्जांपल है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स। तो अब इसमें से हम किस तरीके के साथ, ह्यूमन किस तरीके के साथ डिसाइड करेगा कि जनाब मैं अपने रिसोर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूं? डेफिनेटली कोई ना कोई थिंकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो कहता है जी कि मुझे वीट से, अगर मैं इस जमीन को गंदम उगाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन। जी बिल्कुल। अब वो सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ये बात तो आपकी समझ आ गई है जी कि सेटिस्फेक्शन के जरिए से कि जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी वो, लेकिन अब वो सेटिस्फेक्शन हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, या कैसे हम उसकी रैशनैलिटी, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? तो वो सेटिस्फेक्शन का फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वीट अगर हम उगाते हैं इस जमीन के ऊपर, तो वीट से हमें 100 मिलियन या 100,000 रुपीज का बेनिफिट होगा। जो हमारी कॉस्ट है वीट पे लगाने की, वो
और जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो 100,000 रुपीज का होगा. फॉर एग्जाम्पल 100,000 रुपीज, रुपीज इन थाउजेंड, ये हमने बताया. इस तरह से कार्टन जब अगर हम लगाते हैं तो कार्टन उगा के उसकी जो कास्ट है उसको बेच के जब हम उसकी मेहनत करेंगे उसके बाद हमें इससे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 200,000 रुपीज का बेनिफिट हो जाए. और अगर हम उसी जमीन के ऊपर स्कूल बनाते हैं, स्कूल से आएंगे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, कुछ हमें कॉस्ट लगाएंगे, कुछ हम उसके ऊपर से करेंगे, तो हमें फॉर एग्जाम्पल 300,000 रुपीज का नेट बेनिफिट मिल सकेगा. तो अब रैशनल बिहेवियर हमने कहा था, रैशनल बिहेवियर क्या होगा, वो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेगा और कहेगा जी कि मैं जो ये वाली लैंड है इसके ऊपर आई विल गो फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए चला जाएगा. इसी तरह से हो सकता है आपको स्लीप, अब आपसे कहा जाए कि जी कि हाँ बताइए इस एक घंटे को आपने जब सोने के लिए इस्तेमाल किया तो 1 से 10 के दरमियान में आप कैटेगराइज कर दें कि जनाब स्लीप से आपको कितनी बेनिफिट मिलता है. 1 से 10 एक घंटे को, घंटा कौन सा है, कौन से घंटे की बात कर रहे हैं, 9 AM to 10 AM, इस 1 आवर अगर आप इसको स्पेंड करते हैं ऑन योर स्लीप, हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू गेट. तो आप कहते हैं नहीं यार ये सुबह का टाइम है, इस वक्त तो सोने का जनसा सेटिस्फेक्शन मुझे कम मिलेगी. तो 1 से 10 के दरमियान में आई वुड से अगर मैं स्लीप के लिए करता हूं तो मुझे सिर्फ 3 की सेटिस्फेक्शन मिलती है या 0 की सेटिस्फेक्शन मिलती है. नुमान कह रहे हैं 0, हम 0 ही कर देते हैं, नुमान की मर्जी चलती है, 0 की सेटिस्फेक्शन. और स्टडी के लिए अगर इस्तेमाल करता हूं इस एक घंटे को तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई 8 की सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, मैं फ्रेश हूं, मैं ताजादार हूं, तो मेरा अगर मैं इसको अच्छे अंदाज में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे 8 की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी. और अगर मैं यही गेम खेलने के लिए कोई क्रिकेट खेल लूँ या कोई फुटबॉल दोस्तों के साथ कोई एक्टिविटी करना तो हो सकता है मुझे 7 की या 6 की या 5 की सेटिस्फेक्शन मिलती हो कि पेरेंट्स कहेंगे जी कि तुमने क्लास छोड़ के तुम गेम खेलने के लिए लग गए, लेकिन गेम से चलो कुछ ना कुछ मजा तो आया ना. तो ये फिर रैशनल बिहेवियर क्या होगा, रैशनल बिहेवियर विल गेट टू चूज स्टडी, मुझे क्या मेरी स्टडी इस्तेमाल करनी चाहिए. इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 1,000 रुपया आपके पास है और उससे आप बुक खरीदते हैं, फिल्म, बर्गर, तो डिपेंड करता है कि आपका क्या, एक बिहेवियर, एक ह्यूमन बीइंग है उसने कहा मुझे 100 की सेटिस्फेक्शन इधर से होती है, फिल्म पे मेरी 50 की सेटिस्फेक्शन है, बर्गर पे मुझे भूख लगी हुई है इससे मुझे 200 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप कहेंगे जी कि रैशनल बिहेवियर शुड गो टू दी बर्गर, वो आप बर्गर को चूज कर लें. ये तो एक हमारा कॉन्सेप्ट था आगे. अब जब आपने चूज की कोई एक एक्टिविटी आपने चूज कर ली तो आपने क्या किया, एक एक्टिविटी चूज कर ली, हमने कहा जमीन को हम स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमने एक एक्टिविटी चूज की तो दूसरे को अनचूज किया, अनसेलेक्ट किया. चॉइसेस डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, बिल्कुल हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइसेस हैं. हम यहां पे पढ़ भी सोशल साइंस रहे हैं, दिस इज ऑल सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस में सबसे बड़ा इश्यू ही ये है कि इसमें वेरिएबल जो फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, इतना बड़ा वेरिएबल फैक्टर है कि आप कभी भी ट्रू सेंस में कोई डिसीजन नहीं दे सकते कि यार अच्छा ये किस तरह का बिहेव करेगा. हमने कहा जनाब के स्कूल लगाना बेहतर है, कोई कहेगा ना जान दो स्कूल का ऐसे कोई फायदा ही नहीं, तुम छोड़ो स्कूल उगा के, क्योंकि स्कूल बना के की करना है,
गंदम उगानी चाहिए, हमारी गंदम हमारी जरूरत है, गंदम उगानी चाहिए, काटन से भी, ये क्या पैसों के पीछे पड़े हुए, नहीं, गंदम उगानी चाहिए। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर फर्क हो सकता है। तमाम क्लास के लिए फिर मैं दोबारा से यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि यार ह्यूमंस बिहेव कैसे करते हैं, हम इस चीज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके लिए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिए कि जनाब मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें डेफिनेटली हर ह्यूमंस को कुछ ना कुछ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। फिर चॉइसेस की जब बात आई तो कहा जी कि चॉइसेस ऐसे नहीं लेगा, वो चॉइसेस के लिए पूरी कैलकुलेशंस करेगा, वो रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेगा, रैशनल बिहेवियर इस्तेमाल करेगा। वो रैशनैलिटी के लिए हमने अपने तौर पर ये कुछ एक मीडियम रखा कि जनाब किस तरीके के साथ वो डिसीजन लेगा, हो सकता है इस तरीके से ना ले, हो सकता है किसी और तरह से ले, लेकिन हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, अभी हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, ये ऐसे ही होगा या नहीं होगा उसको हम नहीं देख रहे अभी। इकोनॉमिक्स बड़े मजे की साइंस है, इसमें हम सारी बातें करने के बाद कह देते हैं, एक अजम्पशन हम लेते हैं, हर इकोनॉमिक्स के कानून के अंदर एक अजम्पशन लेते हैं, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते किस तरह से, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज्यादा है, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की सिर्फ बातें करते रहेंगे तो वेरिएबल बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम चीजों को वेरिएबल्स को रिड्यूस करते जाते हैं और एक डिफरेंट रिलेशनशिप बना के उसमें हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, अच्छा यार ये अगर हो तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमने कहा कि जी प्राइस और डिमांड की सिर्फ बातें कर रहे हैं, यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे कि कस्टमर की चॉइस चेंज हो जाए, कस्टमर का वेदर कुल कंडीशन चेंज हो जाए फिर डिमांड के ऊपर असर आ जाए, नहीं, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को विद सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन, वहां पे हम सिर्फ स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हमारे पास वेरिएबल वेरासिटी ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज्यादा है, तो हमारी डिस्कशन भी आप देखेंगे काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके हुए करेंगे। अच्छा, जहां पे भी हमारे पास नुमान जो बात कर रहे थे जी कि बिल्कुल हर बंदे की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, अपना जरूरियात हो सकती है, अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन हम चॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ना अच्छा चॉइस कर ली, हर इंडिविजुअल ने जो भी चॉइस कर ली वो उसकी चॉइस है, वो उसने कर ली, लेकिन उसने डेफिनेटली कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर की होगी, विदाउट कैलकुलेशन रैशनल इंडिविजुअल चूज नहीं करेगा। यहां पे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जनाब रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, रैशनैलिटी की बेस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेगा, तो ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन चॉइस प्लस एक्सेप्टिंग द चॉइस, चूजिंग द ऑप्शन, वो हम यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने यहां पे कहा कि मैं इस चीज को चूज कर रहा हूं स्कूल बनाने को, तो उसने अगर एक कॉन्सेप्ट को, एक चॉइस को, एक ऑप्शन को उसने अडॉप्ट किया तो बाकी दो ऑप्शन उसने छोड़ भी तो दी है ना, यही जमीन वो स्कूल अगर ना बनाता तो इसी जमीन के ऊपर वो गंदम उगा सकता था, अगर वो यहां पे स्कूल ना बनाता तो इसी जमीन के ऊपर वो कपास उगा सकता था। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में इस्तेमाल करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं,
आपके रिसोर्स को इस्तेमाल करने के डिफरेंट मौके आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट यू आर चूजिंग सर्टन ऑप्शन एंड यू आर रिजेक्टिंग अदर ऑप्शन. आपने बाकी चीजों को, बाकी ऑप्शन को, बाकी अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट किया. इकोनॉमिक्स में हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि जनाब अगर इस जमीन को आप स्कूल के लिए इस्तेमाल ना करते तो आपके पास क्या ऑप्शन थे. आप कहते जी कि मैं आई वुड हैव यूज्ड इट फॉर द कॉटन और वीट. कॉटन या वीट किसी एक के लिए इस्तेमाल कर सकता था. तो वो कहता है कि इकोनॉमिक्स में वो समझाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं जनाब जब भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द हाइएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द फॉरगोन बेनिफिट by using factor of production in its neck. Factor of production in its next best alternative. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या बताया जनाब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हम किस चीज को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. उसने कहा जी कि जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप इस चीज के लिए इस्तेमाल ना करते, दूसरे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए इस्तेमाल कर लेते, फॉरगॉन बेनिफिट जो आपने चीज छोड़ दी उसके लिए इस्तेमाल कर लेते, तो वो इस जो आपने प्रोडक्शन की है, जो आपने सेटिस्फेक्शन हासिल किया है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल स्कूल आपने बनाया, स्कूल अगर ना बनाते तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था. वीट और कॉटन में से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था. कॉटन, क्योंकि वहां पर आपको 200,000 की बचत आ रही है. तो जो हमने फैक्टर बनाया था जिसकी बेस के ऊपर हमने डिसीजन लिया, तो उसके हिसाब से हम कॉटन के ऊपर उस जमीन को इस्तेमाल कर लेते. तो अब स्कूल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो 200 है. हम वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस 1 acre ऑफ लैंड फॉर स्कूल इज 200,000 रुपीज. क्यों 200,000 रुपीज है, क्योंकि स्कूल पे अगर इस जमीन को इस्तेमाल ना करते तो हम कॉटन के लिए कर लेते तो 200,000 रुपए वहां से कमा लेते. अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर सिर्फ 200,000 क्यों है, वीट भी तो हम उगा सकते थे. तो भाई अगर वीट उगाओगे तो फिर तो कॉटन तो नहीं मिलेगी ना, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 300,000 तो नहीं होगी. आपने अगर अपनी जमीन को वीट के लिए आप कहते हैं कि इस्तेमाल किया, तो जमीन तो 1 acre ही है ना, उसे या तो वीट के लिए इस्तेमाल करोगे या कॉटन के लिए. ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसे आप वीट भी उगा लो और कॉटन भी उगा लो, दोनों चीजें तो नहीं मिलेंगी. तो इससे हमें डेफिनेटली ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमें समझाया, दी फॉरगोन बेनिफिट जो आपने छोड़ दिए, बेनिफिट छोड़ दिया बाई यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो उस चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. आपका हर डिसीजन हैज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हर डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रखता है. मैं आइसक्रीम खाऊं या मैं मिल्कशेक पीऊं, जब मैंने आइसक्रीम खा ली तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रखी कि मैंने मिल्कशेक नहीं पिया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही 100 रुपया जो मेरे पास था उससे मैं आइसक्रीम भी खा सकता था,
उसी स्टोर पे से मैं मिल्क शेक भी पी सकता था। तो मैंने जब आइसक्रीम के लिए अपने रिसोर्स इस्तेमाल कर लिए तो मिल्क शेक के लिए नहीं किए, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं उस ऑप्शन को डिलीट कर दिया, फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एग्जामिनर काफी खंगालता है, इसके ऊपर उसने एग्जाम में पूछे भी हैं क्वेश्चन। आगे भी जाके हमें बहुत सी जगहों पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, बहुत सी जगहों पे हमें इसको देखना है और उससे हमें समझ आनी चाहिए। आज के दिन अगर हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो हमें आइंदा के लिए काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमारे लिए आसानी होगी। तो हर जो आपका ऑप्शन जो आप चूज कर रहे हैं उस चॉइस की देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और कॉस्ट कैन बी मॉनिटरी टर्म्स और इट कैन बी विदाउट मॉनिटरी टर्म्स। जैसे हमने बात की 1 आवर स्लीप, 1 घंटा स्लीप, अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? 1 आवर वी आर यूजिंग फॉर स्टडी, हमने चूज कर लिया स्टडी को, व्हाट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग 1 आवर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है क्लास? कितनी अमाउंट अपॉर्चुनिटी? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और वो टाइम हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसी टाइम को हम कहीं पे गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, उससे हमें 5 का बेनिफिट होता। स्लीप इज नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस स्टडी। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की बात हमने करनी है। हमदान समझ आई कि नहीं? स्लीप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि गेम और स्लीप के दरमियान में हमें गेम में ज्यादा बेनिफिट नजर आता था, तो हम अगर हम स्टडी ना करते तो फिर हम इस चीज को अपने इस टाइम को गेम के लिए इस्तेमाल कर लेते। क्लियर है? हम हर चीज के अंदर, हर जो चाहे हमारी रुपयों के अंदर कोई चीज चल रही है या रुपयों के अंदर नहीं चल रही, हर डिसीजन की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हम इकोनॉमिक्स में इसको यूज करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं डिफरेंट डिस्कस कर रहा हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जिसके लिए वी स्पेंड मनी, वो क्लियर कट हमें सामने नजर आ जाती है। वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कि जनाब ये कॉस्ट क्या है, वो हम उसको फौरन समझ जाते हैं कि जनाब दिस इज द कॉस्ट, दैट इज फॉर दिस वी हैव सम आउटले ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स मनी। एक्सप्लिसिट आउटले यानी कि बाहर जाता है, हमसे चला जाता है, आउटले ऑफ मनी। आपसे कहा यार अच्छा आओ यार फिल्म देखने चलते हैं, आपने कहा यार इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बहुत है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बहुत है। उसने कहा यार इम्प्लिसिट कॉस्ट और फिल्म देखने में एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये कौन सी बातें तुम कर रहे हो? आप कहेंगे यार एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो ये है कि जो उसकी टिकट खरीदनी पड़ेगी उस टिकट के लिए I have to spend ₹500 फॉर एग्जाम्पल, मुझे ₹500 उसको देना पड़ेगा। और यार एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो समझ आ गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट यार देखो ना, अब मुझे 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैं इसको टाइम दूंगा, हालांकि मुझे वो पैसे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बट टाइम इज ऑल्सो ए कॉस्ट फॉर दिस। मैं 3 घंटे वहां पे बैठा रहूंगा, उस तीन घंटे को मैं कहीं और पे इस्तेमाल कर सकता था, पढ़ाई के लिए, नमाज के लिए, कहीं पे वालदैन के साथ बात बैठने के लिए, घर वालों के साथ, दुकान के लिए,
कुछ और काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमें इकोनॉमिक्स में हर जगह पे कहीं ना कहीं हमें ये कॉस्ट में इम्प्लिसिट एलिमेंट भी होता है और एक्सप्लिसिट एलिमेंट भी होता है। इम्प्लिसिट क्या है? फॉर विच नो आउटले ऑफ मनी। हमें कोई मनी इस्तेमाल नहीं हुई, वो टाइम मेरा ही टाइम था, मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े, उस टाइम को मैं इसके लिए इस्तेमाल करता या किसी और पे करता, ये इम्प्लिसिट है। इसी तरह से प्रोडक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आप दूसरे बिजनेस के एलिमेंट पे जाता हूं, एयर कंडीशनर प्रोड्यूस करते हैं, तो एयर कंडीशनर प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ मटीरियल लेते हैं और वो मटीरियल के लिए हम रुपीज 500,000 या फॉर समथिंग वो पे करते हैं। तो ये तो जो जहां पे मनी बाय गई, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? जो हमने एज ए ओनर वहां पे काम किया, उस मटेरियल लाने के लिए कॉल की, उस मटेरियल की सिलेक्शन के लिए अपना टाइम लगाया, उस मटेरियल को निगोशिएट किया, प्राइस निगोशिएट की, हमारा कोई उसके अंदर पैसा नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल दैट इज आवर टाइम, आवर एफर्ट्स, दे आर बीइंग यूज्ड। जो ओनर है उसका टाइम, उसकी एफर्ट्स, उसकी निगोशिएशंस, उसकी स्किल्स वो उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह से हमारे जो एक इकोनॉमी है, एक पुल बनाना है जी, पुल बनाने के अंदर ब्रिज, पुल बनाने की कॉस्ट आप कहेंगे जी पुल बनाना है कोई इश्यू नहीं है, इसके ऊपर रुपीज 100 बिलियन वो कॉस्ट आएगी, 100 अरब की कॉस्ट आएगी। आप कहेंगे ठीक है ये 100 अरब की कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि इसमें रुपीज जा रहे हैं, इसकी कोई इम्प्लिसिट कॉस्ट तो नहीं है? हाँ सर है, कोई इन्वायरमेंट के ऊपर असर अंदाज होगी, जब आपने यहाँ पे पुल बनाया उससे ट्रैफिक चलेगी, ट्रैफिक से धुआं होगा, धुएं से इन्वायरमेंट के ऊपर असर अंदाज होगा, फिर जो इधर की के पौधे हैं वो दरख्त काटने पड़ेंगे, कुछ जमीन के ऊपर असर अंदाज होगा, उसको पानी जो था उसके ऊपर, तो हर जो हम समझ आ रही कि नहीं भाईजान, हेलो हेलो वाइट टेस्टिंग 1 2 3 दो तो नहीं गए, जाग गए चलो ठीक हो गया। तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेनिफिट फॉरगॉन फॉर नेक्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर विच वी डोंट मेक एन एनी आउटले ऑफ मनी बट विच इज एन कॉस्ट, एंड एक्सप्लिसिट फॉर विच वी मेक आउटले ऑफ मनी, जो हमें मॉनिटरी टर्म्स के अंदर पता चलती है आउटले ऑफ मनी। ठीक है जी, फिर एक चीज हमने यहां पर भी पढ़ी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अभी, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज हमने पढ़ी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जनाब, हम अभी तक कह रहे हैं, अभी आपको हमने बात की कि जनाब रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स से हम एंड तक पहुंच जाते हैं, तो जरूरियात पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या जमीन से गंदम उग सकती है? जमीन से गंदम कैसे उग सकती है? माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो हेलो, जमीन से गंदम कैसे उग सकती है भाई? क्या जमीन से गंदम उग सकती है? बिल्कुल उग सकती है, सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, आपको जमीन से गंदम उगाने के लिए आप कहेंगे सर, ऐसा नहीं होगा कि आप दुआ मांगेंगे और जमीन से गंदम हो गए। नहीं 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 नहीं, आपको यू विल हैव टू डू सम प्रोसेस, कुछ आपको काम करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके आप कह सकेंगे हाँ जी हाँ जमीन से गंदम उग सकती है। जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दी जी कि कोई बीज चाहिए, कुछ आपको उसके ऊपर उसको बीज को लगाएंगे, उसको पानी देना चाहिए, उसका ख्याल रखेंगे, फिर कुछ पैसे चाहिए, वो सब कुछ होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि जनाब मैं जमीन से गंदम उगा सकता हूँ। अगर आप सिर्फ कहें कि जी के मैं आज के दिन बैठ के मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद कहा जी के मैं जमीन से गंदम उगा लेता हूँ, तो वो नहीं सर, इसका नहीं होगा। यू विल हैव टू परफॉर्म समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। वो जो करना है, वो करना, वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में हम उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं, जिसके जरिए से, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी ट्रांसलेट आवर रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, क्योंकि ये वीट एज इट इज कुछ भी नहीं है। वीट अगर खाने के काबिल है तो फिर हमारी भूख की जरूरत को पूरा करेगा, अगर वीट खराब हो जाए, खाने के काबिल ना हो, तो फिर वो भूख की जरूरत को पूरा नहीं कर सकेगा। सो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, जो कि हमारी सेटिस्फाई करती हैं आवर नीड। क्लियर है जी? ये जमीन से आप कहेंगे कि जमीन खा लो, भूख लगी है जमीन खा लो, नहीं सर जमीन नहीं खा सकते, भूख लगी है तो हमें जमीन के ऊपर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। और उससे हासिल क्या होगा? उससे हासिल हमें गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। जमीन से गंदम हासिल की, वो गुड्स एंड सर्विसेज एलिटीज क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, लेकिन उनको इस्तेमाल करके हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। जमीन को इस्तेमाल करके हम खाने की जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन जमीन को प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजार के ऐसी चीज हम उगा सकेंगे जिससे कि हम अपनी खाने की जरूरत पूरी कर सकते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी ट्रांसलेट आवर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है जी, कोई एम्बिग्यूटी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी तो नहीं इस तक? अब तक हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं।
कोई उसके अंदर मेरा ख्याल है मुश्किल होनी नहीं चाहिए. लेट्स कंक्लूड हियर, आज के दिन के लिए इतना ही, और लेट्स मीट टुमारो, और फिर वहां से हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुरू करते हैं. फोन कॉन्सेप्ट ओके ना, अल्लाह हाफिज़.